हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट एकदम शांत रहेंगे, आपके लिए हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी ध्यान बनता है, थोड़ा शांत रहो, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो हमारे हैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि हमारे लिए जो मतलब एक स्टूडेंट तो वीडियो पकड़ रहे हैं इस तरीके से फोन, समझ पा रहे हो ना, इतना मतलब समझ पा रहे हो। अब इस तरीके में अगर स्टूडेंट करते हैं तो दिल को भी बहुत अच्छा लगता है, समझ पा रहे हो, अच्छा लगता है कि डियर स्टूडेंट कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो हम बात करते हैं टॉपिक पर, चर्चा आते हैं, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, माय डियर स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आज पढ़ रहे थे सेंट्रल डोगमा के बारे में। हमने जाना कि सेंट्रल डोगमा होता क्या, यानी कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया के बारे में, फिर डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बना था, प्रोटीन बना, जिसको हमने पूरे का सेंट्रल डोगमा बोला था। हाँ या ना, समझ में आया था कि नहीं बताओ, समझ में आया था, पक्का आया था, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोसेस के बारे में, यानी कि एक प्रोसेस को काफी डेप्थ में समझेंगे, यानी कि आज हम डीएनए रिप्लिकेशन की बात करेंगे। आई होप माई डियर स्टूडेंट कुछ आवाजें आ रही होंगी ना, आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट लगा लो, कोई दिक्कत परेशानी होती है क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट क्वालिटी का लेक्चर मिले, तो देखो साथ रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शांत रहिए, आप भी आना चाहोगे क्या, आना चाहोगे, शांत रहो थोड़ा सा, आपको भी इतनी टेंशन मत लो, चैनल पे लाएंगे भाई आप सब जुड़े तो हम हैं, समझ पा रहे हो। तो आज हम बात करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन, इसकी बात करेंगे डीएनए रिप्लिक प्रक्रिया डीएनए की जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन, यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन यानी डुप्लीकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया के बारे में काफी तक समझने वाले हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात तो हम क्यों माने डीएनए के स्टैंड पर नया डीएनए बनता है, हम नहीं मानेंगे, आप भी बोलो हम नहीं मानेंगे। अब भाई साइंटिस्ट लोग नहीं मान रहे थे, वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे थे वहां पर, अब उसके लिए क्या चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। अभी तक हम जेनेटिक मटेरियल को भी नहीं मान रहे थे, हम नहीं मान रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे डीएनए है, इसको हमने नहीं माना, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग एविडेंस दिया, अलग अलग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, फ्रेडरिक ग्रिफिन साहब ने चूहों के ऊपर, माइस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, हाँ ना, एस्टिरिस कोलाई पर निमोनिया रोग के ऊपर, वहां पर किस तरीके से देख रहे थे चूहे में निमोनिया बीमारी हो जा रही थी, चूहा मर जा रहा था, नहीं हो रहा, चूहा नहीं मर रहा था, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने, पढ़ा था कि नहीं, अरे नहीं देखो वीडियो देखो जा करके, भाई देख लो रैंडमली ऐसे वीडियो तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम देखा था क्या देखा था, उसके बाद हमने ये जाना था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर से चेज का रूल देखा वहां पर, यानी कि हमने ये चीज एकदम क्लियर कर चुके थे कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, अनुवांशिक पदार्थ किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा था, इसको हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, एविडेंस हमको मिल गया, हमको प्रमाण मिल गया। अब साइंटिस्ट लोग का विवाद खत्म हो गया, अब चर्चा खत्म हो गई, अब इस पर विवाद नहीं होता कि हाँ पता चल गया कि भाई अनुवांशिक पदार्थ क्लियर है। इसी तरीके से रिप्लिकेशन आपको पता होगा डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए से क्या होता है, डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन। हम क्यों माने, हम नहीं मानेंगे, मनवाते हैं अरे भाई डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया के बारे में हमको एविडेंस चाहिए, हमको प्रमाण चाहिए, प्रमाण देने वाले साइंटिस्ट सबसे पहले ठीक आए, ध्यान देना, ध्यान देना सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रिप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेशन देखा जाता है। किसने बताया, क्रिक साहब ने, हिंदी में भी इनको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, बोलते हैं अर्ध संरक्षी, क्या बोलते हैं माय डियर, अर्ध संरक्षी बोलते हैं,
किसने बताया? लेकिन इन्होंने प्रमाण नहीं देखा, एविडेंस ये नहीं दिया कि आखिर डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। इसको इन्होंने डीएनए पर नया स्टैंड बनता है, जिसे भी कलर ब्यूटी टाइप का होता है मेथड, इसको बदला दिया था, लेकिन इसका एविडेंस नहीं दिया किसने? आगे चल करके ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, समझ पा रहे हैं ना? आगे चल करके ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने अपना एविडेंस दिया, प्रमाण दिया, और प्रमाण देने वाला साइंटिस्ट मैं सलसा नहीं रिश्ता हूं। थोड़ा सा हम इस टर्म को समझते हैं, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? देखो भाई, सेमी कंजर्वेटिव सिंपल सा मतलब देखो, आपको पता है डीएनए है, हाँ ना, छोटा सा बनाते हैं डीएनए, हाँ ना डीएनए, भाई बांध रहे, दिख रहा है, बांधा दिखा दे रहा है, हाँ ना डीएनए, हाँ ना दिख रहा है डीएनए, डीएनए। अब इस डीएनए को हम ओपन करते हैं, इस डीएनए की जो श्रृंखला है वो खोल देते हैं, धागे खोल देते हैं, ओपन करते हैं, ये दो धागे को हमने खोल दिए, एक धागा इधर एक धागा इधर, दो रस्सी लो, रस्सी खोल दो, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, अब क्या होगा इस पर? क्या हुआ, क्या देखे आपने? एक नया डीएनए का स्ट्रैंड, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला न्यू स्ट्रैंड, नया डीएनए का स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड इसको बोला। इसके बाद पुराना वाला क्या हुआ? पैरेंट का होगा, जनक का होगा, जिसको बोलेंगे क्या? पैरेंटल स्ट्रैंड, हाँ या ना? वाइट वाला पैरेंट का स्ट्रैंड रहा, जो नया डीएनए आया तो न्यू स्ट्रैंड बोला, इसी को बोलते हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव। इसी को बोलते हैं अर्धसंरचित, अर्धसंरचित मतलब आधा, किसका आधा? आधा नया वाला है, आधा पुराना वाला, भाई पुराना वाला डीएनए का सेगमेंट आएगी नहीं, आया इसमें, इसी के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बना है, इसी को हम बोलते हैं डीएनए स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इसी को सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। जिसको सबसे पहले बतलाया किसने था? क्री ने बताया। नहीं समझ माया दिक्कत? नहीं समझ माया? देखो फिर फिर देखो, अरे मुझे क्या दिक्कत, परेशान क्या दिक्कत है? अभी बड़े देखेंगे तो और मजा आएगा, समझो इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये डीएनए है, डीएनए है, डीएनए को खोल दो, ये हमने डीएनए को खोल दिया, खोला डीएनए को, ये पुराना वाला है, ध्यान देना, ओल्ड वाला डीएनए, अब इसी ओल्ड पे क्या बन रहा है? न्यू बन रहा है, सिंपल सा, यानी ये क्या है? न्यू स्टैंड है, न्यू स्टैंड है, दिखाई दे रहा है नहीं माय डियर, दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो। और ये वाले को बोलते हैं पैरेंटा वाला, यानी पैरेंट वाला स्टैंड, अभी मैं दिखा रहा हूं, इसका हमको प्रूफ दो। वैज्ञानिक लोग नहीं मानेंगे, साइंटिस्ट नहीं मानेंगे ना भाई, हम नहीं मानेंगे डीएनए के ऊपर कैसे डीएनए बनता, हम ये चीज नहीं मानेंगे, हमको क्या चाहिए? इसका प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस के लिए ही वाज द ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है मिसालसा नेरिस्टाहल, इसको क्रिप साहब ने प्रूफ नहीं दे पाए, इसको प्रूफ देने के लिए, इसका जो प्रूफ देने के लिए, इसका पुख्ता प्रमाण देने के लिए मिसालसा नेरिस्टाहल साहब आए, उन्होंने इसका पुख्ता प्रमाण दिया, क्या दिया, क्या खास बात बताया, देखते हैं, बने रहेंगे लास्ट। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, क्या देखते हैं माय डियर, इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए साइंटिस्ट का नाम नहीं बोलेंगे, मिसालसा नेरिस्टाहल साइंटिस्ट, इसका पुख्ता प्रमाण दे दिया, क्या बताया मैं सबको निष्कर्ष दिखा दूं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, इसका प्रूफ क्या है? एक्सपेरिमेंट यानी कि मिसालसा नेरिस्टाहल एक्सपेरिमेंट को लगा के हेडिंग बनाओ, सन एंड स्टाहल, स्टाहल एक्सपेरिमेंट, मिसालसा एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट हमारे काम करेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम आपकी वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी खर्च बनता है कि आप थोड़ा सा काम करें, समझ पा रहे हैं? देखते हैं, यानी मिसालसा एंड स्टाहल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या काम बताया, मिसालसा एंड स्टाहल साहब ने क्या किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया, इसके ऊपर किया,
के लिए कोलाई को, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पानी पीने में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, थोड़ा सा काम करना, नहीं तो कुछ स्टूडेंट वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे तो दिक्कत होगा, या समझ पा रहे हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं वीडियो में, आप आ सकते हैं, समझ पा रहे, अगर आप इच्छा है तो आप अब अभी यार आप भाई आप भी हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा शांति बना रहे। देखो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा था, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है भाई, देखो क्या दिक्कत, देखो इधर। अब देखो इसके लिए सी कोलाई यानी ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और किसने किया, विल्सन एंड स्टाहल साहब ने। आखिर क्यों ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इसका भी जान लो प्रूफ, इसको जान के हैरानी होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है बायोलॉजी में ई कोलाई का नाम जरूर आता है। ई कोलाई बैक्टीरिया यानी तुम्हारे हाथ में भी जो पाया जाता है, तुम्हारे हाथों के अंदर भी है, तुम्हारे हाथों के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया रह रहा है, तुमको पता नहीं है, वहां पर भी रह रहा है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर तभी हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्योंकि हमको मिलता जुलता है इसका डीएनए, समझ पा रहे हो, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में काफी ज्यादा। तो कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट, विल्सन स्टाहल साहब ने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने दो प्रकार के क्या बनाए, इन्होंने दो प्रकार के आइसोटोप को इस्तेमाल किया, क्या यूज किया, दो आइसोटोप का इस्तेमाल किया, आइसोटोप, और दो आइसोटोप कुछ इस प्रकार से थे, क्या देना, दो आइसोटोप जो यूज कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार से, दो बैक्टीरिया के आइसोटोप का इस्तेमाल किया, एक था डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक जो था N14 एंड दूसरा जो था N14 को हम क्या बोलते हैं, हमारे डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, N14 को क्या बोलते हैं, लाइट डीएनए, कौन सा डीएनए बोलते हैं हम, लाइट डीएनए मतलब हल्का डीएनए, समझ पा रहे हो नहीं, लाइट तो लाइट डीएनए बोलते हैं। लेकिन अगर वही बात करें N15 की तो N15 को बोलते हैं हैवी डीएनए, हैवी डीएनए, एक लाइट डीएनए तैयार किया, एक हैवी डीएनए तैयार, समझ पा रहे हो, इन्होंने दोनों डीएनए को तैयार करके एक परत नली में डाल दिया, इसमें डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, इसको हम बनाते हैं टेस्ट ट्यूब को, यानी दोनों बैक्टीरिया को लिया, दोनों बैक्टीरिया को तैयार किया, दोनों आइसोटोप को, आइसोटोप को तैयार करने के बाद क्या कर रहे हैं, एक परत नली में डाल दिया, इसमें डाल रहे हैं परत नली, परत नली यानी किसी प्रकार से, आप देखे होंगे टेस्ट ट्यूब जो कांच की बनी होती है, आप लैब में गए होंगे के लैब में, वहां पे देखे होंगे, तो इस तरीके से क्या है आपका ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या मिला रहा है, तो मिला दे रहे हैं, यानी कि ये भी लाइट वाले को भी हैवी वाले को भी, लाइट डीएनए हैवी डीएनए दोनों को कहां मिला रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देखो हैवी वाले को भी मिला दिया, दोनों को इसमें मिला दिया, और मिलाने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूजेशन का मतलब भाई, सेंट्रीफ्यूजेशन आप गए होंगे ब्लड टेस्ट करवाने, आपको पता होगा एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, मिक्सर देखे हो ना, मिक्सर देखो भाई, जब मिक्सर मसाला पीसते हो चलाते हो ना, मिक्सर नाचता है ना, उसी तरीके से हम टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, उस स्टैंड में रख देते हैं, और एक बार में कई टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं, और ऐसे ही मशीन रहता है, इसको जैसे ओपन करते हैं तो बोरिंग लग रहा है भाई, देख लो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या बोरिंग लग रहा है, इम्पोर्टेंट है ना, देखो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज मदद कर रहे हैं तो आपको दिक्कत बनता है माय डियर स्टूडेंट, देखो होता क्या है, होता क्या है, जो भी यानी 15 वाले होते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये परत नली की तली में बैठ जाते हैं, बादल जरा देना पड़ाका तक बादल पड़ाका तक बादल पड़ाका तक ना, देखो लगता है, देखो
तो ये क्राइटेरिया क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, तालियों में बैठ गया। आज कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माय डियर स्टूडेंट। और आप भी ऑनलाइन हो, ऐसे अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, देखते हैं। एक दिन आज कोई स्टूडेंट मया गए तो बोल दे रहे हैं वीडियो बनवा दे, एक बेचारा पकड़े हैं करके समाप्त रिजल्ट कर रहा है, उसका नाम भी बता दें अनुज, अच्छा 12 का स्टूडेंट है जो कि समझ पा रहे हैं किसी का नाम स्प्रेड नहीं किया, लेकिन उसका कर देना बेचारा बहुत सारा उसको थोड़ा बोल देना कि अपने भाई कब से वीडियो हाथ पकड़ा है, दर्द करने लगता है ना भाई, कभी यार पकड़ना तो भी दर्द करने लगता है। देखो अब ट्राइपॉड यहाँ पे सिस्टम देखते हैं आगे, देखो ये क्या है, इधर देखो, इधर देखो, भूलो मत, खो मत जाओ, इधर देखो ये क्या डीएनए है, अब कौन सा डीएनए है, हैवी डीएनए, हैवी डीएनए है, हैवी डीएनए के बाद ऊपर क्या होगा, लाइट वाला ऊपर आ जाएगा, क्यों भाई लाइट वाला ऊपर आया, हम नहीं मानेंगे, क्यों ऊपर आया भाई, लाइट वाला हल्का था, हैवी वाला भारी था, भारी चलो नीचे चला गया, हल्का वाला ऊपर आ गया, इसको हमने क्या बोला, लाइट डीएनए। और लाइट डीएनए में क्या था, जिन 14 आया ना, और हैवी में क्या था, जिन 15 30 नहीं था, था कि नहीं था, हाँ या ना था, देखो अब हुआ क्या, एक यहाँ पे इंटरमीडिएट मिले, एक यहाँ पे इंटरमीडिएट मिला, इंटरमीडिएट मतलब दोनों दोनों मतलब बीच में दोनों मिल गया, एक स्टैंड किसका मिल गया, लाइट का, और नीचे किसका मिल गया, अरे बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, इधर देखो रहमान, इधर देखो, इधर देखो, अरे भैया यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये लाइट का है, यन 14 वाला भी मिला है, मिला है कि नहीं मिला है, अलग अलग कारण से हमने बनाया है ताकि आपको समझ में आए, ये क्या है, ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों डीएनए समझ पा रहे हो, इसी को हमने इंटरमीडिएट बोल दिया, क्या बोला माय डियर स्टूडेंट, इसी को हमने बोला इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना, यानी बीच में दोनों स्टैंड, एक स्टैंड लाइट का भी आया है, एक स्टैंड हैवी का भी आया है, अरे भैया तभी तो हम ना बोल रहे हैं डीएनए आपका अच्छी होता है, केमिकल का बेटे हो, प्रूफ हो गया, पता चल गया, पता चल गया राज, पता चल गया कि डीएनए जो होता है सेमी कंदर बेटू टाइप का रेप्लिकेशन करता है, छुट्टी हो जाओ ताली बजा दो बेटा, ताली बजाने लगे देखना पोजीशन को जरा ताली क्यों बजा रहे हो, इधर हमारे स्टूडेंट बहुत प्रिय है, दिल के बहुत करीब है, आप इतने बच्चे हैं और आप भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऐसा नहीं था, अभी अब हुआ क्या, अब देखो अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने क्या बताया था, अभी गिरीश साहब ने क्या बताया, इधर देखो भाई थोड़ा सा देख लो, देखो ये है ना डीएनए, पहला इसको हमने ओपन किया, ये देखो, ये देखो नया स्टैंड बन गया, यही तो है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मिल रहा है कि नहीं, हाइब्रिड डीएनए इसको बोला है, इंटरमीडिएट को ही क्या बोला, हाइब्रिड डीएनए बोला, बोला कि नहीं बोला, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर समझ लो, इसने किया क्या, प्रोफेसर निशान साहब ने इसने दो आइसोटोप तैयार किए, दो आइसोटोप तैयार किए, किसके दो आइसोटोप, नाइट्रोजन के, एक तो N14 एक तो N15, दोनों आइसोटोप को क्या किया इन्होंने, मिलाया, इन्होंने क्या किया, मिलाया, कहाँ पे मिलाया, एक पराग्रनी में मिलाया, और एक को लाइट डीएनए बोला, एक को हमने हैवी डीएनए बोला, दोनों डीएनए को पराग्रनी में मिला दिया, ये देखो दोनों हमने परक नली में मिला है, और परक नली में मिलाने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज का मतलब दोनों डीएनए आपस में क्या होगा, मिक्स होगा, भाई मिक्सर के मशीन के जैसा था, जबकि ये परक नली बहुत तेजी से नाचेगा,
बहुत ज्यादा तेजी से घूमेगा, समझ पा रहे हो? तो बहुत तेजी से घूमेगा, खोगा क्या? बाय डियर स्टूडेंट, अभी नहीं आएगी वीडियो बन रहा है ज्यादा, देखो तेजी से घूमेगा ना खोगा क्या? इसमें जैसे दोनों डीएनए डाले रहेंगे, हैवी वाला क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, भारी वाला डीएनए नीचे की तरफ बैठ गया, यानी हैवी था, भारी था तो नीचे की तरफ बैठ गया, जो हल्का था ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन बीच में इंटरमीडिएट मिल गया, हैवी वाले से थोड़ा सा भाग टूट करके गया और लाइट वाले से थोड़ा सा भाग टूट गया, इसलिए इंटरमीडिएट मिला। इंटरमीडिएट का मतलब हाइब्रिड डीएनए मिल गया, मतलब कि ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये इंटरमीडिएट है। किसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर की टाइप ऑफ डीएनए मटेरियल, किसी को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धसंरक्षी विधि द्वारा डीएनए का द्विगुणन, ये सिद्ध हो गया। अब हमको पता चल गया डीएनए द्विगुणन किस प्रक्रिया द्वारा करता है, किस प्रक्रिया द्वारा करता है भाई, किस प्रक्रिया द्वारा करता है, किस द्वारा करता है, आइडियल स्टूडेंट केमी कंसर बेटू का है तुम्हारा। आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड। इसके बाद हम आगे बात करेंगे काफी डेप्थ में, आगे हम समझने वाले हैं काफी डेप्थ में। आज तो हमने इसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप समझा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। इसमें बाद इसके बाद हम बात करेंगे बहुत डेप्थ में, बात करेंगे डीएनए रिप्लिकेशन होता क्या, डुप्लीकेशन होता क्या, डुप्लीकेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, आगे का आपको देखने वाला आपको बहुत मजा आने वाला लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी एक्सपेरिमेंटल हमें प्रूफ जाना, ये प्रूफ जाना कि या फिर डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है, जो डुप्लीकेशन होता है वो होता कैसे, अगर उसका प्रूफ क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एविडेंस क्या है, जो कि एविडेंस प्रूफ देने के लिए सबसे पहले ट्रिक तो बता के चले गए, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना किसने दिया, वेसनसन स्टाल साहब ने, नाम नहीं भूलेंगे। आज के थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट।